तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारा बोनसाई प्लांट का जो लीफ है उसको हम कैसे छोटा करें, साइज कैसे छोटा किया जाए, तो उसी मैटर पे आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही बताएंगे कि आप अगर अपने बोनसाई प्लांट का पत्ती अगर छोटा करना चाहते हैं तो समय में प्रून करने का बहुत ही ज़रूरत है। आप ट्रिम करते चलें, बड़े पत्ती को हटाते चलें। बड़े पत्ती को आप हटाते चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि पत्ते का साइज छोटा आएगा और ये बड़े बड़े पत्ती ज़्यादा भोजन ले लेता है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। तो आप अगर बड़े पत्ती हटाएंगे तो इसका ट्रंक का साइज मोटा होते जाएगा, क्योंकि इसमें इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा पत्ती कम रहेंगे तो, और पत्ती का साइज भी छोटा होते जाएगा। तो आज हम इसको ट्रिम करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, और आप देख रहे होंगे कि इसमें ब्रांच कितने घने आ चुके हैं। हमने तैयार किया है इसको, और आप सही अगर टाइम में अगर ब्रांच कटिंग करते चलेंगे तो वायरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो आप इसका ट्रे देख रहे हैं, पॉट देख रहे हैं, इसको हम वुडन स्टाइल में बनाया है, हमारे हाथों से बना हुआ पॉट है। अब हम जितने भी बड़े पत्ती हैं उसको हटा रहे हैं। सबसे पहले आप यही काम कीजिएगा, इसके जितने भी बड़े पत्ती हैं सबको हटा दीजिएगा, उससे पत्ती का साइज छोटा होगा और इसका ब्रांच का शेप पता चलेगा। उसके बाद हम ब्रांच पे जाएंगे कि इसका ब्रांच को करना क्या है, काटना है कि नहीं काटना है, क्या शेप देना है, पत्ती हटाने के बाद पता चलेगा। तो हम सारे पत्ती हटा रहे हैं इसका, और प्रूनिंग करने का एक समय है, मौसम देख के कीजिएगा। फरवरी से मई तक के महीने में किया जा सकता है, अप्रैल तक के महीने में प्रूनिंग। और ठंड में आप बिल्कुल भी प्रूनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं सारे पौधे, तो उस टाइम ये ग्रोथ नहीं करते, उस टाइम मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो आप बरसात में कर सकते हैं, और ये गर्मी वाले मौसम जो गर्मी चालू होते रहता है तब उस मौसम में आप प्रून कर सकते हैं। तो ठंड को छोड़ के आप दोनों मौसम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हमने सारे पत्ती को हटा लिए हैं, जितने भी बड़े बड़े इसके लीफ थे सारे बड़े लीफ को हमने हटा लिया है। अब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हम चाह रहे हैं कि इसके सारे लीफ इतने छोटे हो जाएं। ये हम बाद में कोशिश करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि लीफ कटिंग करने के बाद इसका ब्रांच कटिंग करने का तो अभी समय है नहीं, ज़्यादा इसका ब्रांच ग्रोथ किया नहीं है, तो हम अभी इसका ब्रांच पे कटिंग नहीं करेंगे। तो इस बोनसाई पे आज इतना ही काम हम करेंगे जिससे इसका पत्ती का साइज और छोटा होते जाएगा और ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।